रहिका पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। रैयाम थाना क्षेत्र के बाबू सलेमपुर गांव निवासी शहबाज उर्फ साकिर को रहिका पुलिस ने मधुबनी से गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि एक वर्ष पूर्व हरलाखी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव निवासी जितेंद्र दास उर्फ कैलाश ने एक लिखित आवेदन देकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में अपने साथी राहुल कुमार व एवं अन्य एक के विरुद्ध 30,000 रूपए रंगदारी मांगने को लेकर रहिका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए गए थे। उक्त कांड में अभियुक्त लगभग एक वर्ष से फरार चल रहा था। रहिका पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा था, लेकिन आज उस अभियुक्त को मधुबनी से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। उक्त बातों की जानकारी रहिका थाना प्रभारी कंदन वासकी ने दिया। मौके पर थाना प्रभारी कंदन वासकी, SI राहुल कुमार एवं अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।